खैरिया साहब है। पहले तो मैं आपको जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के क्षेत्र की भी से कि वहाँ आम जनता, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, आम जनता आपके कार्य से प्रसन्न है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ये आप में गुण अनुशासन, उन गुणों की वजह से आप पहले ही भाप गए थे इनसे। अब हाँ, हमारे यहाँ क्षेत्र में भी संकट आने वाला है कोरोना का, इसलिए आपने सूझबूझ से पहले कदम उठाना शुरू किया और जहाँ तहाँ कंट्रोल हो, जैसे भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र में कंट्रोल करके ये पूरे विश्व को ये बता दिया कि हम पूरी तरह से सक्षम है हर क्षेत्र में हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए। इसलिए आम जनता आपको धन्यवाद देना चाहती है। धन्यवाद। बच्चा बच्चा आपको बिल्कुल पसंद कर रहा है, हाँ तुम गहलोत जी काम कर रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को उनके आदेश के अनुसार, आपने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हमारे वहाँ के सारे जनता के जो भी मुख्य आदमी हैं, हमारे सहयोगी हैं, जितने भी पार्टी के हैं और भामा साहब, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की और आज भी ये व्यवस्था में जुटे हुए हैं। लगभग 13,000 किटें बांट चुके हैं, रोजीना देखते हैं कि कहाँ हमारा कमज़ोर तबका रह गया है, जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है उनके पास भेज रहे हैं। और करीबन रोटी बैंक बना रखा है, कैरतल में तो रोटी बैंक को और भी देखे तो रोटी बैंक है, शाम को किसी का खाना नहीं बनता है तो रोटियां हर घर से एक आदमी की आ जाती है, रोटी बैंक से खाना शुरू कर रखा है। ये सारी व्यवस्थाएँ हमने शुरू कर रखी है, हर गाँव में ये तय कर रखा है कि हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं मिले, गाँव ने अपना अपना आप अपने कर करके उनको वो दे रहे हैं, इसलिए आपके आदेश की पालना कर रहे हैं। साथ में थोड़ा सा लोगों के मांग भी मैं रख रहा हूँ साथ, एक तो पानी की 8-10 पंचायतों में हमारे पहाड़ी एरिया के सहारे जो पंचायत है, पहाड़ी एरिया में पानी चला दे रही थी, 1500-1500 फीट पानी की वो नहीं आ, इसलिए उनमें की मांग है। हालांकि कल्ला साहब ने मेरे को सहयोग किया है, बहुत सा दिया है, लेकिन आगे भी अपेक्षा कर रहा हूँ थोड़ा सा और मुझे सहयोग मिल जाए तो वहाँ की पानी की समस्या जो अभिषम तरीके से उभर करके सामने आ रही है वो भी निमट जाए। दूसरा, ये एक हमारे क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है और उसमें हमारे स्किल लेबर बहुत है, वो बाहर भटकती दौड़ रही है और बाहर के लोग आगा करके अब नौकरी प्राप्त करते हैं, ये बाहर के लोगों को लाते हैं, हमारी ज़मीन हम सबको से दे रखा है और फिर भी वो बाहर के लाते हैं, हमारे लोग बाग उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए जिससे जो लेबर हमारे ये भटकते लोग हैं उनमें उनको ये मिल जाए। इसलिए और एक भी है कि जो बॉर्डर है साहब हरियाणा में वो भी लगता है और एक दूसरे के क्षेत्र में हमारे लोग बाग औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए आने जाने का व्यवस्था होती होगा, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका खेड़ा साहब, बहुत धन्यवाद।